हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 6 5G में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में चले जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी 3 डॉट्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड कॉल्स के, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगी ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ से इसे ऑन कर देना है, जैसे कि मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। अगर आप सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पहले वाली ऑप्शन ऑल कॉल्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप अनसेव्ड नंबर से, यानी कि जो नंबर्स आपके फ़ोन में सेव नहीं है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाली ऑप्शन कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई नंबर चूज़ करके उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड वाली ऑप्शन कॉल्स विद स्पेसिफिक नंबर्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नंबर्स टू ऑटो रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ से नंबर्स ऐड कर देने हैं, जिस नंबर्स की भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है।